तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। तो देवी संजू, आप देख रहे हैं कि वंशी ने पट्टी बांध ली है आंखों पर और कह रहे हैं कि मैं सूंघ करके वो किताब पढ़ सकती हैं। सर आप देख सक चेक कर मैं सकते मैं तो नहीं देख सकता। खैर जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे, चेक करूंगा कि आप नीचे से देखते नहीं रहे। लेट्स रीड ऑन। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट। He used to deal in salt. So the merchant was sure that the अच्छा, donkey. अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। Yes sir. अच्छा एक ये तो हमने सुन लिया है। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आई हो। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। अच्छा ये एक नया चैप्टर खोला है मैंने। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into okay, their hole. रुको ये भी रट के आई होगी तुम पहले से। पन्ना बलट रहे हैं। ये पढ़ो। Once upon a time, there was an explorer named John de Souza. One day, he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned alive. How is he doing it? My goodness. Okay. What are you holding to me? Devi Sanjay, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो थी ये हमारी टीम ने दी थी वंशी को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी जगह पर इन्होंने गलती नहीं की। जितने भी लाइंस थी बिल्कुल वैसे इसमें पढ़ के पाया। वंशी हमें बताइए कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला? सर मैंने एक ब्राइटर माइंड्स का कोर्स किया था, उसमें ब्रेन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक उन्होंने बनाया है। तो वो एक्सरसाइजेस करके और वो म्यूजिक सुन के मैंने ये सब सीखा है। सर मैं बिना देखे कलर भी बता सकती हूँ किसी चीज का, बस पकड़ के। अभी फिर बांधना पड़ेगा आपकी आंख को। इस ट्रे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं। ओके सर। राइट। ये क्या है? सर ये एक कप है, येलो कलर है, इसका कलर येलो है। ये क्या है? सर ये एक पेन, स्केच पेन है जो रेड कलर में है। सर ये भी एक पेन है जिसमें रेड और वायलेट पर्पल टाइप का दोनों कलर है। सर ये भी एक पेन है जो रेड और ग्रीन कलर है इसमें। वाह। ले रहा हूँ मैं, हो गया इम्तिहान तुम्हारा, पास हो गए आप। अनबिलीवेबल। माय गुडनेस। कहीं भी जा करके आप कोई भी रंग जो है वह पहचान सकते हैं। यस सर। अगर आपकी आंखें बंद हो। यस सर। ये तो अद्भुत कला हो गई है कि नहीं? अनबिलीवेबल वंशी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।
सो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? सर ये एक 6 से 8 वीक का एक ब्राइटर माइंड का कोर्स है, अल्फा करके कोर्स है, जो हार्टफुलनेस एक संस्था है उन्होंने और उनके जो ग्लोबल मेंटर हैं दाजी उनके निर्देशन पे डिजाइन किया गया है। तो इसमें वो लोग कुछ टूल्स टेक्निक्स ब्रेन एक्सरसाइजेस मेडिटेशन उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स कंसंट्रेशन फोकस वो सब बढ़ता है। उसमें जैसे मेंटर और मेंटी इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से कि दे जस्ट 3-4 आवर्स दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसे तो जादू लगता है बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। जैसे जो हम आंख से देख पाते हैं तो उसको दूसरे सेंस जनरली जो हम यूज नहीं करते स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। कहाँ पर है ये संस्था? सर ये हार्टफुलनेस ग्लोबली फैली हुई संस्था है तो ब्राइटर माइंड भी ऑलमोस्ट ग्लोबली ही है। एक्चुअली मेरा एक मित्र हार्टफुलनेस से जुड़ा हुआ था काफी टाइम से तो वो काफी टाइम से कह रहा था कि ये कोर्स है बच्चे को आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं तो कि नथिंग टू लूज वो सोच के ज्वाइन किया था बट इट्स ह्यूज गेन। जी जी तो ये केवल बच्चों के लिए है या बड़े भी जा सकते हैं? इसका सर 7 या 8 साल से 15 साल तक बच्चे जो बच्चे इंस्ट्रक्शन बेटर तरीके से ले सके वो उनके लिए ज्यादा यूजफुल और 15 साल के बाद सिंस न्यूरॉन्स हार्ड होने लगते हैं दिमाग के तो वो उतना असरदायक नहीं है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी है और वंशी आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर। थैंक यू सर। अनबिलीवेबल एब्सोल्युटली। ओके सहस्र అంటే 1000 వస్తుందా లైట్ ఫోకస్ రాకుండా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన పర్లేదు తీయంగా మొత్తం దగ్గర చూద్దాం రైట్ ఓకే రబ్ ద హ్యాండ్స్ ఫింగర్ జిమ్ ఫింగర్ జిమ్ గుడ్ సూపర్ ఎనీ కార్డ్ ఎనీ కార్డ్ నువ్వు ఫస్ట్ అటు ఆమె అమ్మాయి సీ లెటర్ బ్లూ ఫీల్డ్ ఎల్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏదని వచ్చా టచ్ చేస్తానేనా చేసుకోవాలి చెప్తుంది చెప్తుంది కానీ నాకు కింద కాకుండా పైకి పెట్టి సెన్సార్ గ్రీన్ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ బ్లూ కలర్ రైట్ గుడ్ ఓకే బ్లూ కలర్ గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ ట్రయాంగిల్ షేప్ బ్లూ కలర్ స్క్వేర్ షేప్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఐ ఎల్లో కలర్ అవుట్ సైడ్ గ్రీన్ కలర్ నౌ డోంట్ టచ్ కమ్ ఆన్ సే పి జెడ్
B J E ఎనీథింగ్ మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడే నేను ఇస్తాను. మీరు ఏది చెప్తే అదే ఇస్తాను. ఇక్కడ నాకు చెప్పండి ఎస్ అని చెప్తే నేను అది ఇస్తాను. ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ గుడ్ బ్లూ కలర్ ducks swans okay ducks right tomato how many 7 good what is this cat good sunflower chepa mai je chepta isko okay anna mujhe kuch chahiye ग्रीन कलर व्हाइट कलर ऑरेंज कलर ओ ग्रीन कलर आउटसाइड येलो कलर क्लॉक ఏ చెప్తారు ఇస్తా బేబీ ఏ చెప్తారు ఇస్తా బేబీ చెప్తుంది నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అక్కడ మీరు బోర్డు మీద రాస్తే కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చెప్తారు ఇస్తా చెప్పండి ఓకేనా బేబీ స్ట్రాబెరీ చిల్లీస్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు వెళ్దాం ఆర్టిల్లో వన్ పేజీ నెంబర్ 120 కమ్ ఆన్ కీప్ ఓపెన్ ద 120 పేజ్ good